नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे से प्रदेश में पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ते हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग थे। उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है। अब हर जिले में एक ही रेट होगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से अब देखिए लोगों में खुशी का माहौल है, साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था और आज से जो पेट्रोल और डीजल है वो सस्ता है। अब लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, लोग अब पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की जो दाम है वो कम है। और जब उनसे बातचीत भी की गई तो उनमें खुशी का जो है वो माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग पेट्रोल डीजल के लिए पहुंचे और जब उनको पता चला कि आज से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। आज सुबह से नई दरें जो है वो लागू हुई हैं। पेट्रोल की नई दरें 104.86 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की जो नई दरें वो 90.34 रुपए प्रति लीटर। और कल कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया और आज से पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता हुआ है। राज्य सरकार ने वैट कम किया है और साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल का मुद्दा देखिए विधानसभा चुनाव में जम करके उठा था और बीजेपी ने ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम किए जाएंगे। और अब वही तस्वीर देखने को मिल रही है, पेट्रोल डीजल आज से सस्ता हुआ है। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक का ही रुख कर लेते हैं। अशोक, फिलहाल क्या वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है, जरा लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि श्री गंगानगर से लगातार आप जो तस्वीरें दिखाते हैं लोगों में ये देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, देखिए हम उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे, लेकिन उपभोक्ताओं से बात करने से पहले मैं आपको श्री गंगानगर में अब जो आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू कर दी गई हैं पेट्रोल और डीजल की वो मैं बता देता हूं। श्री गंगानगर में आज पेट्रोल की कीमतें सुबह 6 बजे से 106.24 रुपए प्रति लीटर तक हो गई हैं, जो कल 113.50 रुपए के करीब थी, यानी कि लगभग लगभग 7.5 रुपए का इजाफा इस समय पेट्रोल की कीमतों में हुआ है। तो साथ ही साथ यदि हम डीजल की बात करें तो देखिए कल रात को डीजल की कीमतें 98 रुपीज कुछ पैसे थी, जो अब घटकर 91.58 रुपए पर आ चुकी है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें 2% घटाने का फैसला किया गया और उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी 2 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल पर छूट दी, ये डबल तोहफा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा मिला आयुषी, वो मिला पूल अकाउंट का। चूंकि भरतपुर और जोधपुर डिपो से गंगानगर तक सप्लाई होती थी, तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा मार पड़ती थी वो पड़ती थी माल भाड़े की। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक तरफा गंगानगर में ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रदेश की राजधानी जयपुर से भी 3 से 3.5 रुपए प्रति लीटर तक ज्यादा हुआ करती थी। और यही वजह थी कि श्री गंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में सबसे ज्यादा होती थी। कल रात हमारी उपभोक्ताओं से बात हुई, अभी कुछ देर पहले भी कुछ उपभोक्ता जो पंप पर मौजूद है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है पेट्रोल और डीजल को लेकर। अब जो तस्करी हुआ करती थी पंजाब में, चूंकि पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ करता था, तो उस तस्करी पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो स्थानीय पेट्रोल पंप डीलर्स हैं गंगानगर जिले के हैं या पंजाब से लगती हुई सीमा क्षेत्र के, वहां पर भी उनका बिक्री बढ़ेगी और बिक्री बढ़ने से उनका सर्वाइवल बढ़ेगा। अभी देखिए चूंकि सुबह का ही वक्त है तो इक्का दुक्का उपभोक्ता ही अभी यहाँ गंगानगर में दिखाई जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई उपभोक्ता हमारे सामने आएगा हम उनसे बात कर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कल रात को और जिस तरह से कुछ देर पहले तक हमारी उपभोक्ताओं से बात हुई है, उपभोक्ता इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गंगानगर जिला वो जिला है जो किसानी के लिए माना जाता है और किसानी के काम में डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और पंजाब में यदि बात करें तो पंजाब में डीजल लगभग 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता था, तो ऐसे में किसान तबका पूरा का पूरा पंजाब से पेट्रोल और डीजल लाया करता था। साथ ही साथ अवैध रूप से भी पंजाब से तस्करी कर गंगानगर जिले में पेट्रोल और डीजल। अशोक आप बने रहिए हमारे साथ, अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आज सुबह 6 बजे से ही कम हो गए हैं, जो उपभोक्ता है उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं।
कितना था पहले और कितना मिला आपको? अब इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन आज कम हुआ है ये पता है। 108 से 104 104 हाँ। पहले कितना था अपने यहाँ पर? 108.43 अब कितना कर दिया गया? 108. अब 104.83 कर दिया गया। कितना फर्क आ गया सर? 3 रुपए का फर्क आ गया। 3 रुपए से ज्यादा, करीब 4.25 रुपए का फर्क आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। रेट कम हुई है पेट्रोल की? कितनी कम हुई सर? 3.40 रुपए। कितना मायने रखता है आपके लिए ये चीज़? सर बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और सर बहुत बढ़िया है, इसे हम मानते हैं, बढ़िया सरकार है। सरकार ने बढ़िया किया हमारे लिए जी, बिल्कुल असर पड़ता है। क्या एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे? तो क्या लगता है आपको पेट्रोल का कुछ फर्क पड़ता है भाव से लाइफ में? जी बिल्कुल, तो लोगों को आप देख सकते हैं काफी मायने रखता है पेट्रोल का भाव, और चाहे वो एक आम आदमी की गाड़ी हो चाहे कोई लग्जरी कार हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आम आदमी का आपने व्यू लिया, आप यहाँ पर एक दूसरा व्यू ले सकते हैं कि नॉर्मल उनके अलावा कितना फर्क पड़ता है। 4 रुपए कम होना पेट्रोल पर कितने मायने रखता है, आप अगर थोड़ा इस तरह देख सकते हैं प्लीज। सॉरी, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल के भावों का बढ़ना गिरना आम आदमी की लाइफ पे असर पड़ता है? आम आदमी की लाइफ में पड़ता तो है सर, बिल्कुल पड़ता है, काफी असर पड़ता है, काफी असर। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो पेट्रोल भरने की प्रक्रिया है और सारे कामकाज हैं वो शुरू से जारी है। सुबह लोग आ रहे हैं और अभी तक लोगों को ये यकीन नहीं था कि सुबह 6 बजे से ही दामों का असर जो है वो दिखने लग जाएगा, और यहाँ पर जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग के ऊपर भी ध्यान रहता है। सर, आप लोगों ने मीटिंग करके पहले ही कर दिया था कि अनाउंस की आज सुबह से ही लागू कर देंगे नए दाम? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से देखते हैं कितना फर्क आया है इस पे? फर्क पड़ेगा लोगों की लाइफ पर, असर पड़ेगा पड़ेगा। पहले 108 का भाव था और अब है 104.83, पड़ेगा फर्क, लाइफ पर असर पड़ता है, बजट पर रोजाना। कितना यहाँ पर लोग आते होंगे डेली? 700-800 लोग डेली आते हैं फिलिंग करवाने। तो आप देखेंगे कि ये जयपुर का नजारा है और सुबह सुबह लोग पहुंच रहे हैं बाकायदा। हमारे साथ रुक करेंगे आपका, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से, उन्हीं का रुक कर लेते हैं। ओम प्रकाश, अभी कोटा में क्या हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। अब उसमें देखिए दाम कम होते हुए जो अलग अलग जगह से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, वहां पर पब्लिक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। 2 से 3 रुपए भी कम हुआ है तो लोगों को लग रहा है कि महंगाई से राहत मिली है। आपके अगल बगल जो भी पब्लिक है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनके रिएक्शन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कोटा के सेंटर जेल एक अनोखा पेट्रोल पंप है, वहां हम खड़े हैं और निश्चित रूप से प्रदेश के दूसरे शहर और दूसरे गांवों की तरह जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं में एक खुशी का माहौल होता है। कारण ये होता है कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और कोटा के सेंटर जेल यानी कि एक सरकारी पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और वहां का जो संचालन करते हैं, जो पेट्रोल भरने का काम करते हैं, वो खुले जेल के कैदी करते हैं और यहां के पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी इनका संचालन करते हैं। एक पुलिस महिला पुलिस अधिकारी खड़े हैं क्योंकि वे पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता बहुत सारे आते हैं और कारोबार के मामले में पेट्रोल पंप सबसे ज्यादा आगे रहता है। जी जी सर जी, आम इंसानों से लेकर बड़े से बड़े आदमियों का सब पे फर्क पड़ेगा इस पे। पेट्रोल कम होने से 3-3 रुपए का अंतर आया है सब में, पेट्रोल डीजल पावर पे, तो सबकी रेटें चेंज हो गई है, सबके मुंह पे खुशहाली है। ये इस पेट्रोल पंप के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ भीड़ वैसे भी ज्यादा रहती है, अब तो ज्यादा होगी? जी जी सर, यहाँ डेली की सेल 10 लाख से समथिंग ऊपर होती है और यहाँ बिल्कुल सही मिलता है, इसलिए इससे भीड़ भी रहती है सरकारी पेट्रोल पंप पे, तो भरोसा भी ज्यादा रहता है आम पब्लिक को। देखिए, ये सरकारी पेट्रोल पंप है, खुले जेल के कैदी यहाँ पेट्रोल भरने का काम करते हैं और जो है जेल के अधिकारी कर्मचारी इनका संचालन करते हैं, कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आज पेट्रोल के भावों में गिरावट आई, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया बात है, गिरावट आई तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक है इसमें काम होगा, अच्छा है। आप क्या कहना चाहते हैं, रोज पेट्रोल भरते हैं कम आई तो फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखिए, कुछ और उपभोक्ताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोटा में 3.59 रुपए 59 पैसे की कमी आई। सर, क्या कहना चाहते हैं, पेट्रोल के और डीजल के भावों में कमी आई है? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बिल्कुल ओम प्रकाश, जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, क्योंकि महंगाई से अब लोगों को राहत मिलती हुई दिख रही है। शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो आज से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत मिली है। कम हुए दामों पर सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर मिलने लगा है। पेट्रोल पर 3.59 रुपए, डीजल पर 3.35 रुपए की कमी कोटा में देखने को मिली है। कोटा से संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये रिपोर्ट देखिए। डीजल पर बड़ी राहत, ठीक सुबह 6 बजने के साथ पेट्रोल के बदले हुए दाम के साथ में राहत पेट्रोल और डीजल के दामों पर मिल गई है। कोटा की अगर बात करें तो पेट्रोल पर 3.59 रुपए, वहीं अगर डीजल की बात करें तो 3.35 रुपए की राहत कोटा में पेट्रोल और डीजल के दामों पर मिली है। फिलहाल कोटा के पेट्रोल पंप पर हम हैं और देख सकते हैं आप पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो कम हो गए हैं और कम होने के साथ में लोगों तक पेट्रोल और डीजल के दामों पर राहत पहुँचने लगी है। सर, स्कूटर आपका है 3.59 रुपए की जो राहत है वो पेट्रोल पर मिली है, निश्चित तौर पर बड़ी राहत होती है एक साथ एक सामान्य व्यक्ति के लिए, क्या कहेंगे? बढ़ोतरी हो रही है, कम हुए हैं, कम हुआ है जी, इससे थोड़ा और दुगना ज्यादा होना चाहिए था, कम और कम होना चाहिए। जैसे महंगाई का दौर ज्यादा चल रहा है, महंगाई का दौर ज्यादा है, थोड़ी सी और राहत की उम्मीद ये भाई साहब कर रहे थे। सर, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है, 3.59 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 3.35 रुपए डीजल के, हाँ। क्या कहेंगे? 3 रुपए से क्या होता, कम से कम 10 तो होते ना, आम आदमी को 3 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आम आदमी को 3 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा ये इनका कहना है, लेकिन कुल मिलाकर के राहत होती है। और महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इफेक्ट हर चीज पर आता है, और जब इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है तो राहत हर चीज़ पर मिलेगी। निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से वैट कम करने के बाद में ये राहत सभी जगह पर मिलने लगी है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।